नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बड़ा ही अच्छा और जानकारी वाला विषय है, जो हमारे किसान भाइयों को जो है एक नई जानकारी और आर्थिक लाभ जो है वो प्रदान करेगा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो गायें या भैंस, जो भी पशु है, जो भी फीमेल पशु है, उनको समस्या हो जाती है कई बार कि उनका जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और वो कई तरह से इस तरह का होता है कि कई बार सफ़ेद मवाद की तरह का आना और पीला डिस्चार्ज आना, और कई बार ऐसा होता है कि पहले पतला डिस्चार्ज आता है और उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे तो गाढ़ा डिस्चार्ज आ जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उस डिस्चार्ज में बहुत ही बुरी बदबू आती है। तो इस कंडीशन में हमने करना क्या है और क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यदि हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर हाथ डालता है, और हाथ डालने से क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ डॉक्टर तो सेफ्टी यूज़ करते हैं कि जैसे वो ग्लव्स पहन के करते हैं यूज़, लेकिन कुछ क्या है कि कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो रीयूज़ करते हैं, एक ही ग्लव्स को कई पशु को यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण क्या है कि यदि किसी दूसरे पशु को इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरे पशु में लग जाता है। तो ये इन चीज़ों का हमें जो है बहुत ही ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, यदि आपके पशु को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, और आपका पशु जो है गर्भधारण नहीं कर पाता है, और किसी भी प्रकार की यदि यूट्रस में समस्या है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है और हम ऐसी क्या औषधि है कि जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं? तो दोस्तों, कई बार आपने जिक्र सुना होगा हल्दी का हलवा। तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है, और ये एक एंटीवायरल का भी काम करती है, एंटी बैक्टीरियल का भी काम करती है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, और इसका हमने हलवा कैसे बनाना है और किस मात्रा में और किस अनुपात में हमें अपने पशु को देना है और कितने टाइम देना है, तो 3 से 4 टाइम हम देंगे तो हम देखेंगे हमारे जो पशु है उसके स्वास्थ्य में लाभ हुआ है और वो फिर से प्रजनन जो है वो करने के काबिल हो चुका है। यदि इस तरह का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारा जो पशु है उस समय से गाभिन नहीं होता है, और कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का भी हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, चलिए बताते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ये हमने फ्राई पैन ले लिया है, गैस पे इसको हमने जला दिया है। इसमें हमने करना क्या है कि हमें जो है सबसे पहले सामग्री लेनी है घी, जो हमारा देशी घी है गाय का, वो हमने लेना है 20 से 50 ग्राम। ये हमने इसमें डाला। उसके पश्चात दूसरी जो सामग्री है, जब ये घी अपना रेडी होता है, गर्म होता है, जब तक तब तक मैं आपको बता दूं हमें क्या सामग्री लेनी है। दूसरा हमने जो है ये लिया है हमने आटा। ये आटा है पिसा हुआ, घर का मोटा आटा है, ये आपने लेना है। उसके बाद तीसरी जो सामग्री है वो है चीनी, और चौथी जो सामग्री है ये है हल्दी। तो इस तरह से आपको ये सारी सामग्रियां लेनी है, और इसको बनाना कैसे है इसको मैं बता दूंगा आपको। घी को इसको गर्म कर लेना है अच्छे से, उसके बाद ये जो चून है ये इसको आप इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा जो आटा है ये पूर्ण रूप से जो है ये भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और दोस्तों पानी भी आवश्यकता के हिसाब से मिलाना है, आपने ज़्यादा
पतला ना हो। थोड़ा सा और हम इसमें पानी मिला देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये अपना कलर जो है बदलना इसने प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा मीठा ऐड करेंगे, और मीठा थोड़ा दोस्तों हम अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या है कि हमारे जो पशु है वो इसको आराम से खा लेता है। इसमें मुझे लगता है थोड़ा टाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी और हम मिला देंगे। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये गांठें जो इसमें बन चुकी है ये आपको नहीं बनने देनी है। कुछ हमारी गलती की वजह से पानी हमने थोड़ा लेट डाला तो ये इसमें जो है गांठें बन गई हैं। वैसे अगर बन भी जाए तो भी इसमें कोई इतनी बड़ी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो दोस्तों जब इसका रंग हल्का सुनहरी होने लगे तो आप समझना कि आपका जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। अब आप जो है गैस को बंद कर देंगे, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो है हलवा बनकर तैयार है, ठंडा हो चुका है, और इसमें अब हम इस तरह से जो है हल्दी मिला देंगे। ये भी आपको इसमें केवल 50 ग्राम हल्दी इसमें डालनी है। एक दोस्तों हमारे पास में ये है, इसमें हम थोड़ा मिनरल मिक्सचर और ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं, इसमें 20 ग्राम के आसपास आपको मिनरल मिक्सचर ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अपने जो है पशु को दे देंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा हल्दी का जो हलवा है वो तैयार है बिल्कुल गाय को देने के लिए। इस तरह का आपका कलर हो जाएगा इसका। और अभी देखिए दोस्तों ये हमने अपनी जो है गाय के आगे रख दिया है, और गाय भी बड़े चाव से जो है इसको खा रही है मज़े में। तो दोस्तों इस तरह से ये जो विधि है, ये हल्दी का हलवा तैयार करने की जो विधि है वो ये है। और इसको आप अपने पशु को यदि उसके यूट्रस में कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, सूजन है, सफ़ेद मवाद आती है, पीली मवाद आती है, पस है, किसी भी तरह की कोई भी गर्भाशय से संबंधित अगर समस्या है तो इसी तरह से आपने उसका हलवा बनाना है। और आपको दिन में दो बार देना है, एक बार सुबह एक बार शाम, और इसको आपको 3 दिन आप देके देखिए, इसको आपका जो पशु है वो एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, और जो उसका जो डिस्चार्ज है, जो भी किसी भी तरह की यदि समस्या है, प्रॉब्लम है, उस तरह के समस्त रोगों का निदान ये एकमात्र हलवा है। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की हम आपको नई जानकारियां लाते रहें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है हम प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आपको लेकर आते थे। पहले हमने जो है अपनी दूसरी गाय को दिया था, उसके पश्चात हम अपनी इस गाय को दे रहे हैं, और इसके दोस्तों बहुत ही अच्छे और आश्चर्यजनक जो है परिणाम हैं।
यदि आपके पशु को और भी किसी तरह की कोई समस्या होगी, अगर शरीर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, बुखार है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें भी ये जो हलवा है ये बहुत ही रिलीफ देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी तरह की नई नई जानकारियां पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।